गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा सातवीं, विषय हिंदी, वसंत। बच्चों, आज हम इस पार्ट से पार्ट पाँच मिठाई वाले का रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपने इस पार्ट में जाना कि इसमें एक फेरी वाला है जो पहले वो खिलौने लेकर आता है बच्चों के पसंद के, रंग बिरंगे खिलौने, जिसे देखकर बच्चे बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उससे सस्ते दाम में लेकर के बड़े खुश होकर के खेलते हैं, उछलते कूदते हैं। वही खिलौने वाला कुछ 5-6 महीनों बाद फिर से मुरली वाला बनकर आता है और उसी मधुर आवाज़ में वो मुरली वाले की आवाज़ लगाता है, जिसको सुनकर उसकी आवाज़ को सारे बच्चे तो क्या बड़े भी उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो मुरली वाला बहुत ही कम पैसों में अपना सामान देता है। चुन्नू मुन्नू की जो माता जी होती हैं रोहिणी, उनको जो है मुरली वाले की आवाज़ सुनकर खिलौने वाले की याद आ जाती है और वो उसके बारे में जानने की सोचती हैं। तभी जो है मुरली वाला मुरली बेच करके वो चला जाता है और वो 5-6 महीनों बाद फिर से खिलौने लेकर मिठाई लेकर आता है। तो वो फिर से आवाज़ लगाता है, मिठाई वाला, मिठाई ले लो, सस्ते दामों में अच्छी मिठाई ले लो, और बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर अपना खेल छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। रोहिणी जो होती है वो चुन्नू मुन्नू की दादी से कहती है कि आप इस खिलौने मिठाई वाले को बुलाकर उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि ये क्यों ऐसे इतने इतने दिनों के बाद आता है और अपनी सामान को कम पैसों में ही बेचकर जाता है। उसकी दादी जब चुन्नू मुन्नू की खिलौने वाले को बुलाती हैं और उससे पूछती हैं, तो वो अपनी बड़ी ही दर्द भरी कहानी बताता है कि उसका भाई एक बहुत अच्छा परिवार था, उसकी पत्नी और बच्चे थे साथ में, लेकिन किसी दुर्घटना में वो अब नहीं रहे। तो उन्हीं को बच्चों को याद करते हुए वो मिठाई वाला जो है बच्चों के बीच में आता है और अपनी चीज़ों को बहुत ही कम पैसों में बच्चों के सामने देता है, जिससे कि उसका मन लगा रहे और अपने बच्चों की वो याद भी कर सके। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से है। पहला प्रश्न है बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे कि वह बच्चों को भी तरह तरह की चीज़ें देकर लुभा सके। वह कभी खिलौने वाला बनकर आता, तो कभी बांसुरी वाला बनकर आता, तो कभी मिठाई वाला बनकर आता और बच्चों की मधुर बोली का आनंद लेता था और उन्हें भी आनंदित करता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था बच्चों, क्योंकि वह और जगहों पर भी घूमता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। बच्चों, इसका उत्तर है, मिठाई वाले की आवाज़, उसका सामान बेचने का तरीका तथा लोगों में घुल मिलकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उनसे बातें करना और उन्हें सामान बेचना, इन्हीं गुणों के कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है, विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को दो दो पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबू जी इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम 2 पैसा ही है। बच्चों, अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसका उत्तर है बच्चों, जब भी खिलौने वाले की आवाज़ सुनाई देती, लाला सुने उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों यानी पर्दों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोल देता था। अगला प्रश्न है बच्चों, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर है बच्चों,
नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, इसलिए मुरली वाले की आवाज़ सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला प्रश्न है बच्चों, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है बच्चों, रोहिणी ने जब मिठाई वाले से पूछा कि कभी तुम खिलौने, कभी मुरली और कभी मिठाई वाला बनकर आए हो, इस प्रकार व्यवसाय बदल कर तुम्हें क्या मिलता है, तब मिठाई वाला भावुक होते हुए बोलता है, नहीं, खाने भर को मिल जाता है, उसके साथ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिल जाता है। मेरा भी भरा पूरा संसार था, पत्नी बच्चे थे, मैं बहुत बड़ा आदमी था, मेरा सब कुछ मिट गया, अब मैं अकेला हूँ और इन बच्चों में ही अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मिठाई वाले ने कहा कि मैं इन बच्चों में अपने बच्चे देखता हूँ, पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, उसने मिठाई की दो पुड़िया मिठाइयों की भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और यह कहते हुए चला गया कि इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? बच्चों, इसका उत्तर है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से इसलिए बात कर रही है क्योंकि उस जमाने में औरतें किसी बाहरी आदमी के सामने आकर बातें नहीं करती थी। आज भी बहुत से छोटे शहरों या गाँव में औरतें किसी बाहरी आदमी के सामने नहीं आती हैं, लेकिन बदलते माहौल में आज औरतें किसी भी आदमी के सामने आकर उससे बातें करती हैं और उसकी बातें सुनती हैं और अपनी बात रखती हैं। यह काफ़ी हद तक सही है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ज़्यादा ठीक भी नहीं है। अब बच्चों, कुछ प्रश्न कहानी से आगे यानी इस पाठ से आगे के हैं, उसके बारे में जानते हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और उस पर एक और कहानी बनाइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, मिठाई वाले का भरा पूरा संसार उजड़ गया था, वह भी अपने नगर का सम्मान संपन्न व्यक्ति था, पर समय के साथ उसका सब कुछ छिन गया। इसके आगे बच्चे अपनी समझ के अनुसार खुद कहानी का निर्माण अब आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उनके चेहरे के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आपको ये इसका उत्तर स्वयं लिखना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना गम कम करता है, इस मिजाज की ओर कहानियाँ और कविताएँ ढूंढिए। तो बच्चों, आप भी इसका उत्तर लाइब्रेरी से पुस्तक ढूंढकर उसके बारे में लिखेंगे।